हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्या पता है, चिकन बनाने की सबसे फास्ट तरीका। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम आप 10 मिनट में आप अपना चिकन तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम वाओ, एकदम यमी। तो आप लोग वेट एंड वॉच। ठीक है, आप लोग बस देखते जाइए मैं कैसे कैसे बनाता हूँ। ओनली 10 मिनट में योर चिकन इज रेडी, रेडी टू ईट। ओके, तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, चिकन बन जाए तो हमको भी थोड़ा सा खिला दीजिएगा। ठीक है, ओके। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके, तब तक आप लोग बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और एकदम धमाकेदार मैं बना के चिकन आप लोगों को दिखाऊंगा, केवल और केवल 10 मिनट में। बहुत धांसू तरीका है कि 10 मिनट में आपका चिकन रेडी हो जाएगा। तो गाइस आप लोग बने रहिएगा और मैं आपको बनाने का रेसिपी में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं चिकन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जितना चिकन हो उतना आप प्याज ले लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने प्याज को अच्छा जॉब दे दिया है अच्छे से, और लहसुन भी काट लिया है अपने हिसाब से, मिर्चा भी काट लेंगे, हरा मिर्च, अगर लाल मिर्च आपको पसंद है तो लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चिकन को ही पास में रखेंगे, जितना हिसाब से अपने अपने हिसाब से जितना चिकन बनाना है अच्छे से साफ सफाई कर देंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए। 5 रुपये का मिलता है, आप डाल सकते हैं कहीं से भी लेकर के। ठीक है, आजकल हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ बनाने की प्रक्रिया पर। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम लोग इसको कुकर में रख लिए हैं, तेल को हल्का सा हल्के फ्लेम में इसको गर्म कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग डालने जा रहे हैं, ये देखिए, पहले प्याज डाल देंगे, सारा प्याज डालिए, सारा एक साथ डाल देंगे। ठीक है, सारा एक साथ डालने के बाद इसके बाद इसमें देखिए हल्का सा नमक डाल देंगे, जितना भी नमक डालना आपने आपको यूज करना हो उस हिसाब से नमक डाल देंगे, देखिए इतना नमक डाल दिया हमने, जितना आपको एक मानक बना लीजिएगा, जितना आपको चिकन में आपको डालना पड़े अपने हिसाब से नमक यूज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसको चला दीजिएगा, चला दिया अच्छे से, लाइट का थोड़ा सा कमी है, देख सकते हैं कि चला दिया हल्का सा, बस छोड़ दीजिए उसको। अब इसको हल्के फ्लेम में छोड़ दीजिए, इसको ढक करके सीटी लगाने के लिए इसको कैप कर लगा दीजिए। अब कैप लगा दिया हमने, अब इसको छोड़ देंगे हम लोग 2 सीटी मिनिमम, इसको 2 सीटी देने देंगे, उसके बाद ये प्याज आपका गल जाएगा। देखिए सीटी दे चुका है, पहला सीटी दे चुका है। ठीक है, अब एक सीटी का इंतजार हम और करेंगे, अब प्याज गल चुका होगा। ठीक है, एकदम अच्छे से गल चुका होगा, एकदम मज़ेदार ग्रेवी बन चुका होगा। अब मैं जा रहा हूँ इसको ओपन करने। ठीक है, आपको दिखाऊंगा कितना अच्छे से प्याज गल गया होगा। अब अपना मसाला जो भी है हम डाल के इसको अच्छे से भुनेंगे, उसके बाद चिकन को हम डालेंगे इसमें। ठीक है, बहुत धांसू बनने वाला है, महक आ रहा है एकदम धांसू वाला। देखिए गाइस, दिखाई एकदम प्याज मेरा, ये देखिए आप देख सकते हैं एकदम धांसू बन चुका है, एकदम ब्राउन हो चुका है प्याज, एकदम गल चुका है। ठीक है, अब देखिए अच्छे से चला ले रहा हूँ मैं इसको फर्स्ट क्लास। अब इसमें आप जो भी मसाला, हल्का सा फ्लेम इसका धीरा कर दीजिए, स्लो कर दीजिए, अब जो भी मसाला डालना है, देखिए मैं ये मसाला डालने जा रहा हूँ एवरेस्ट का मीट मसाला। ठीक है, ये पूरे का पूरे मैं डालूँगा, ये देखिए
ये मैंने इसको पूरा डाल दिया इसमें, ठीक है। फिनिश हो गया है मसाला, पूरा डाल दिया मैंने। अब हल्दी का यूज़ करूँगा, देखिए ये हल्दी अब डालेंगे हम, हल्का सा अपने हिसाब से डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से डाल दे रहा हूँ इसको, ठीक है, मेरे पे डाल दिया मैंने इसको। अब हल्का सा अगर चाहें आप चाहें तो गोल्डी मीट मसाला आता है, इसको भी आप डाल सकते हैं, टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ और ये मैं पूरा का पूरा इसमें डाल दिया, ठीक है, इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाएगा। गर्म मसाला अगर डाल सकते हैं तो गर्म मसाला डाल लीजिए, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं हल्का सा चला दूँगा, इसको खूब अच्छे से भूनूंगा इस मसाले को, ताकि भूनने के बाद जो स्वाद आएगा ना, क्या मज़ा आएगा, ठीक है, कितना बेहतरीन महक रहा है अभी, ठीक है। देखिए ये सूख चुका है, हल्का सा इसमें हम पानी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको देखिए ये हल्का सा पानी यूज़ करेंगे ताकि ये अंदर से पकड़े ना, ठीक है। हल्का सा पानी यूज़ किया हूँ मैं, देखिए इसको अच्छे से मैं भूनूंगा पहले। जब अच्छे से ये भून जाएगा उसके बाद मैं चिकन डालूंगा, ठीक है, और चिकन को मैं हल्का फ्राई करूंगा। उसके बाद एक या दो सीटी लगाने के बाद फर्स्ट क्लास उतारूंगा मैं उसको, आपको देखिएगा थोड़ा सा जाती है। अब ये देखिए कितना बेहतरीन स्वाद महका रहा है अभी से, वाओ, जल्दी से बनाओ मुझे खाना है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय। तो भाई जब तक मसाला को मैं भून रहा हूँ तब तक मैं आपसे बात कर लूँ 2 मिनट। देखिए मैं मसाला को भून रहा हूँ, उसके बाद मैं चिकन को डालूंगा अच्छे से, उसको फ्राई करूंगा, ठीक है, फ्राई करूंगा अच्छे से। जब हाफ फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं सीटी दूंगा, सीटी एक या दो मैक्सिमम देंगे, 2 सीटी के बाद उतारेंगे। उसके बाद धनिया की पत्ती जो हरी भरी होती है ना उसको आप डालिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। मैं अभी दिखाऊंगा मैं बना करके किस तरीके से हो रहा है, आप देखते जाइए। ये मेरा हो भी चुका है, आप मसाला जो है अच्छे से फ्राई भी हो चुका है, ये देखिए एकदम रेडी हो चुका है। और अब चिकन डालने जा रहा हूँ मैं, चिकन को डाल करके फ्राई करूँगा। ये देखिए मैंने चिकन को डाल दिया ये, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगा इसमें, ठीक है, चला दूंगा हल्का सा इसको चला दूंगा ताकि मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद जो है इसको मेल्ट कर दूंगा अच्छे से। मेल्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको ढक करके छोड़ दूंगा ताकि इसमें नमक और जो मसाला है उसका सारा चीज़ जो है इसके अंदर अच्छे से भुन जाए, ठीक है। अब मैं ढकने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आप देख सकते होंगे कितना बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ढक दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, 3 से 4 मिनट, केवल 3 से 4 मिनट में इसको चलाऊंगा मैं, एक या दो बार चलाऊंगा अच्छे से, उसके बाद जो है फिर सीटी लगाने के लिए मैं छोड़ूंगा। देखिए ये मैं फिर से चलाने जा रहा हूँ इसको, दूसरी बार मैं चला दिया इसको, हल्का सा घुमाऊँगा, ज़्यादा चलाऊंगा नहीं इसको, ठीक है, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके, ठीक है। मसाला अच्छे से भुन गया है, आप शायद देख पा रहे होंगे, वाह, ठीक है, अच्छे से देख पा रहे होंगे। चला दूँ, अब मैं इसको ढकूंगा, ठीक है। अब एक बार और चला करके इसको सीटी लेने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। ये देखिए सीटी देने की तैयारी बना लिया है, ठीक है, मैं ढक चुका हूँ, ठीक है, अभी अच्छे से प्रेशर नहीं बना है, जैसे ही दूसरा सीटी देगा वैसे मैं उतार दूंगा इसको, ठीक है। केवल 2 सीटी के बाद धांसू बनने वाला है, ठीक है। मैं इसको उतारूंगा, ठीक है, और इसके बाद धनिया की पत्ती मैं डालूंगा, ठीक है, धनिया की पत्ती काट लूँ मैं, धनिया की पत्ती पहले से काट के रखूँगा, ठीक है, आप लोग रखिएगा।
इसके बाद यहाँ धनिया की पत्ती रखी हुई है तो मैं इसमें डालूंगा ताकि और भी टेस्टी हो जाए। ठीक है, एक मिनट बस निकल गया है। उसके बाद इसको डाल करके मैं ढक दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं गैस पे नहीं रखूंगा। ठीक है, ये निकल रहा है इसका प्रेशर। अब इसका प्रेशर निकल चुका है, अब ये निकल गया। वाओ, इतना अच्छा महक आ रहा है। आप देखिए, मैं धनिया की पत्ती डालूंगा। धनिया की पत्ती लिया, अब इसमें इसे डाल दूंगा। ठीक है, हल्का सा मेल्ट कर दूंगा इसको, मतलब चला दूंगा अच्छे से, हल्का सा चलाऊंगा, ज़्यादा नहीं, ताकि धनिया की पत्ती गले ना, ताकि इसका स्वाद दिखिए, इतना बेहतर लगेगा। बस इतना ही चलाऊँगा, देखिए आंसू लगेगा। जल्दी से निकालो भाई, जल्दी से निकालो, मैं खाने जा रहा हूँ। जल्दी से निकालिए, जल्दी से निकालिए। तो गाइस, अब खाने जा रहा हूँ मैं, आपको खिलाऊंगा नहीं, आप लोग बनाइएगा तो मुझे खिलाइएगा। ठीक है, बहुत टेस्टी हुआ, मैंने एक पीस चख भी लिया है। हाय, टाटा, गुड बाय, गया। बहुत धांसू हुआ, मन तो कर रहा सारा का सारा खा जाऊँ। आप लोग बैठिए, आप लोग अपना बनाइएगा और मैं अपना बना दिया हूँ, मैं जा रहा हूँ खाने। ओके, तक के लिए बाय।